ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ था, एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, हुआ क्या हाल था? दिल्ली के अंदर एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था? हिमाचल में एग्जिट पोल दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था? तो वो यहीं पे भी वही हाल होगा। मेरा ख्याल है कि 70 सीट तक कांग्रेस जाएगी, वहां पर एक तरफा जीत है। भाजपा जहां जहां भी चुनाव में जाएगी वहां वहां इंडिया गठबंधन से मात खाएगी। हरियाणा भी हम लोग जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल हमें 400 दे रहे थे, 400 प्लस, हम 240 पे आ गए। अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है, हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, अगर वोट परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हलके में 5% डाउन गया, कम हुआ, मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं उसके अपने हलके में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हलके में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। तो अभी बाकी जगह क्या पैटर्न है सारा हम निकाल रहे हैं और हमारा इंटरनल जो सर्वे है वो भी हो रहा है, दोपहर तक आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। अब देखिए, अब ये दावे और वो अभी कोई ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, ये सारी बात होगी 8 तारीख को। 8 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तब बात होगी। ये एग्जिट पोल बार बार ये सामने आया है बात कि असलियत जो है इनके अंदर कभी नहीं आती, और आपने देखा था मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ था, एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, हुआ क्या हाल था? दिल्ली के अंदर एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था? हिमाचल में एग्जिट पोल दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था? तो वो यहीं पे भी वही हाल होगा। यहाँ पे भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। कांग्रेस को मुबारक है, कम से कम 2 दिन खुश रहने का मौका तो मिलना चाहिए, आप लोग वो खुशी भी छीनना चाहते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी इन दोनों जगह पर लीड में आ जाएगी? देखिए, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल हमें 400 दे रहे थे, 400 प्लस, हम 240 पे आ गए, तो इसलिए मुझे लगता है एग्जैक्ट पोल आ जाए तभी ठीक है। वैसे एग्जिट पोल के पहले जिन जिन इनके फेवर में आता है खुशी मनाते ही हैं, तो उनको मनाने दीजिए खुशी। ये जो एग्जिट पोल जो आता है ये हमेशा ही मतलब पुराने आंकड़े दिखाते हैं। ये मान के चलो एग्जिट पोल तो आपका मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का भी आया था, कांग्रेस की सरकारें दिखाई थी, वहां बड़ी बीजेपी की सरकार। अब मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया, अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हमारी पार्टी का तो बताया मैंने, बहुत पहले ही बताया, हम सरकार बनाने वाले हैं, हम जाकर के समर्थन देने वाले नहीं, हम तो अपनी सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल नॉर्मली इंडिया गठबंधन के पक्ष में आते नहीं हैं, जब एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में आ गया है तो मेरा ख्याल है कि 70 सीट तक कांग्रेस जाएगी, वहां पर एक तरफा जीत है। आम आदमी पार्टी तो प्रभाव कंटेस्ट में थी भी नहीं, और हम इंडिया अलायंस के धर्म को निभाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए ऑफर किए थे, बात नहीं बनी, उन्होंने अलग लड़ी, लेकिन उनको भी स्ट्रेंथ अपनी पता लग जाएगा। और कांग्रेस की सरकार तो यहाँ बनेगी ही, और अलायंस से जम्मू एंड कश्मीर में भी बनेगी, ये तो पूरा दिख रहा है सामने। जब एग्जिट पोल ऐसा कर रहे हैं जो नॉर्मली सत्ता पक्ष के लिए ही काम करते हैं, जिस तरह से लोकसभा में साइकोलॉजिकल एडवांटेज दिया था बीजेपी को,
और उसका फायदा बीजेपी को मिला है। तो अब तो एक तरफा ही जीत है, इसमें तो बीजेपी साफ है जी। और अब जो मोदी जी वाला वो था, करिश्मा था, वो खत्म ही हो गया है बिल्कुल। अब बीजेपी और आरएसएस का जो मेहनत का है और पकड़ का, वही वोट मिल पा रहा। भाजपा आज की डेट में उसका छल, उसका कपट, उसके झूठ सारे के सारे जनता के सामने आ रहे हैं। अब भाजपा जहां जहां भी चुनाव में जाएगी वहां वहां इंडिया गठबंधन से मात खाएगी। हरियाणा भी हम लोग जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से, जम्मू कश्मीर भी हम लोग जीत रहे हैं जनता के आशीर्वाद से, और आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड भी जनता के आशीर्वाद से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से हराने में कामयाब होंगे। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बड़ी संख्या में वोटर टर्नआउट किया। लोकतंत्र के लिए वोटर टर्नआउट बहुत आवश्यक है। जनता के मुद्दों पर जो बात करेगा जनता उसे ही चुनेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं तो आपके चैनल पे ही मैंने कहा था कि 55 से और 60 के बीच में सीटें आएंगी, क्योंकि जो है 10-12 सीटें जो हैं वो जो है ठीक नहीं दी गई थी, और बहुमत हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, जो भी विधायक बनता है सब मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, इसका फैसला जो है एमएलए करेंगे, वो बताएंगे वो किसको चाहते हैं। उसके बाद एक लाइन रेजोल्यूशन किया जाता है जिसमें अपने जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिसको भी वो मनोनीत करेंगे वो मुख्यमंत्री बनता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।